पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था जिसका राजा इंद्रसेन था। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करता था। राजा के राज में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही हैं। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंद्रा एकादशी का व्रत करना होगा ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंद्रा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी बोले कि यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी को व्रत का संकल्प करें। नारद जी ने आगे बताया कि द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद व्रत खोलें। नारद जी ने कहा कि इस तरीके से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंद्रा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इंद्रा एकादशी के व्रत से पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।